गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और आपका दिन भी बहुत ही अच्छा जा रहा होगा। तो आज अपने चैनल पे आपके लिए लेके आए हैं Hyundai Verna मैनुअल है ये टॉप मॉडल। तो आज इसका आपको पूरा रिव्यू करके दिखाएंगे, सारे फीचर्स बताएंगे। हमने इससे पहले ऑटोमेटिक का रिव्यू करा था, अगर आपको वो देखना है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो आज हम आपको इसके बारे में सब कुछ बताने वाले हैं, अगर इंटरेस्टेड है तो स्टे ट्यून्ड इन दिस वीडियो। साथ में हमारी वीडियो को कर दीजिए लाइक, जिससे हमें मिलेगी मोटिवेशन ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। और साथ में कमेंट सेक्शन को यूज करके बताइए कौन सी आपकी फेवरेट कार है, ताकि उसका जल्द से जल्द हम रिव्यू ला सके। चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिए क्लिक। तो चलिए Hyundai Verna मैनुअल की वीडियो के साथ शुरू करते हैं। तो दोस्तों Hyundai Verna का फ्रंट लुक दिखाने आए हैं। फ्रंट से गाड़ी कितनी एजी, शार्प और सेक्सी लगती है, इतनी प्यारी कार है। आप डेफिनेटली अगर लुक्स चाहिए तो Hyundai Verna बेस्ट है। सामने देखिए बायफंक्शनल प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है, जिसमें से हाई बीम और लो बीम दोनों निकलते हैं। विद DRLs और इंडिकेटर भी कार के बहुत ही सुंदर मिलते हैं क्रोम फिनिश में। नीचे फॉग लाइट्स प्रोजेक्टर मिलती हैं, जो नाइट टाइम में विजन बहुत इंप्रूव करती हैं। यहाँ पर कैस्केड Hyundai की ग्रिल है, जो कितनी प्यारी लगती है। अब आपको साइड प्रोफाइल से दिखाएं, तो साइड प्रोफाइल से भी आप देखेंगे कार कितनी सुंदर और अच्छी प्यारी है। काफ़ी अच्छी एक शोल्डर लाइन मिल जाती है, नीचे हमें वेस्ट लाइन भी काफ़ी प्यारी मिल जाती है। अलॉय व्हील 16 इंचेस के इस कार में मिलते हैं, जिसका टायर साइज 195/55 R16 है। साथ में देखिए आप इंटरनली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल साइड व्यू मिरर्स विद टर्निंग इंडिकेटर्स, और साथ में क्रोम हमारे डोर हैंडल्स, और बहुत ही प्यारी हमारे क्रोम के हमें मिल जाती है स्ट्रिप हमारे विंडो एरिया के पास। अब आपको दिखाएं तो पीछे से देखिए टेल लैंप्स भी LED फिनिशिंग में मिलते हैं, है नॉर्मल हेलोजन पर एक फिनिशिंग दी हुई है LED की, जो काफ़ी सुंदर और प्यारी लगती है। पास से देखिए चार पार्किंग सेंसर नीचे मिल जाते हैं, रिवर्स पार्किंग कैमरा वगैरह, हर अच्छा अच्छा फीचर आपको इस कार में अवेलेबल कराया गया है। टॉप मॉडल है कार का, तो ऑब्वियसली हम ये फीचर एक्सपेक्ट करते हैं। पर लुक्स के मामले में अगर आपको बताएं, लुक्स के मामले में आप जौन सा मर्जी मॉडल ले लीजिए, अगर प्रोजेक्टर हेडलाइट्स के साथ देंगे Verna बहुत ही सेक्सी लगती है सामने से और रियर से भी। तो दोस्तों कार की बूट दिखाने आए हैं। Verna की बूट भी ठीक है, काफ़ी अच्छी है। 480 लीटर्स की आपको बूट स्पेस मिलती है, अपने कंपटीशन में थोड़ी कम है, पर दिक्कत आपको फील नहीं होने वाली। बूट काफ़ी अच्छी है, आपको फुल साइज स्पेयर व्हील भी नीचे मिल जाता है, तो ओवरऑल गाड़ी के बूट साइज काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों Hyundai Verna का इंटीरियर दिखाने आए हैं, कितना ही प्यारा इंटीरियर आपको यहाँ पर मिल जाता है। अच्छा डिज़ाइन है, बहुत ज़्यादा आप इसको अट्रैक्टिव नहीं कह सकते, थोड़ा सा ब्लैंड लगता है, पर देखने में मतलब अच्छा है। क्वालिटी आप देखिए कितनी ही प्यारी हमें यहाँ पर क्वालिटी मिल जाती है। बहुत ही प्यारा क्लाइमेट कंट्रोल और टच स्क्रीन मिल जाती है 7 इंचेस की। अच्छे हमारे यहाँ पर लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील है, लेदर रैप गियर नॉब है, विद हमारे माउंटेड कंट्रोल मिल जाता है हमें स्टीयरिंग व्हील। MID भी मिल जाती है, जो आपको सारी कार के प्रॉब्लम्स वगैरह भी बताएगी, स्पीड शो करेगी, एवरेज शो करेगी, सब कुछ। तो ओवरऑल गाड़ी का इंटीरियर काफ़ी अच्छा है, फीचर लोडेड है, जो आपको अभी हम फीचर्स के शॉर्ट्स में दिखाने ही वाले हैं। तो दोस्तों कार के आपको कभी स्पेस शो कर देते हैं, कार में प्रैक्टिकलिटी कैसी है अगर आप डेली यूज़ में चला रहे हैं। यहाँ पर आप 1-1.5 लीटर की बॉटल कंफर्टेबली रख पाएंगे, चिप्स वगैरह भी पीछे रखने का ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पर आप देखिए कितना ही बड़ा आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है, कूल्ड है तो आप अपनी ड्रिंक्स रखिए ठंडी रहेंगी। ऊपर देखिए सनग्लास होल्डर है, कितना ही प्यारा है। साथ में अंदर से वो हमारे को फिनिशिंग मिल जाती है, जिसके कारण हमारे सनग्लासेस स्क्रैच नहीं होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे अब सामने हमें एक फ़ोन स्टोर करने की स्पेस मिल जाती है, जिसमें हमारा फास्ट चार्जर भी इंटीग्रेटेड है। यहाँ पर आप देखिए कितना बढ़िया हमें 2 ग्लास होल्डर मिल जाते हैं। पीछे हमें मिल जाता है हमारा काफ़ी अच्छे साइज़ का एक आर्मरेस्ट, जिसमें आप अपने फ़ोन या फिर अपना वॉलेट वगैरह स्टोर कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से कार काफ़ी अच्छी है, अगर आपको एक प्रैक्टिकल डेली यूज़ कार चाहिए तो Verna आपके लिए ठीक ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों अब आपको इस कार की बैक सीट शो कर रहे हैं। बैक सीट से आप देखिए 1 लीटर तक की आप बोतल यहाँ पर आराम से स्टोर कर सकते हैं, और आपको कुछ स्टोर करने की स्पेस नहीं मिलती। यहाँ पर आप देखिए बड़ी अच्छी हमें प्लास्टिक क्लैडिंग मिल जाती है, पीछे बहुत सुंदर लगती है, काफ़ी देखने में अट्रैक्टिव है। नी रूम ठीक ठाक है, लेग रूम भी ठीक ठाक है। फॉर रेफरेंस मेरी हाइट के हिसाब से ये सीट एडजस्टेड है, और मेरी हाइट है 5'9". अगर आप 5'9" 5'10" के दो बंदे आगे पीछे बैठ रहे हैं तो कोई चक्कर नहीं है, आप आराम से खुले बैठ सकते हैं। सीट का कम्फर्ट ठीक ठाक है, बैक का सपोर्ट थोड़ा सा कम है, और ओवरऑल आप हेडरूम भी काफ़ी कम है। अगर तो मैं स्ट्रेट बैठता हूँ तो बैक का सपोर्ट ठीक हो जाता है, पर मेरा हेड टच करने लग पड़ता है। तो ओवरऑल इसका बैक सीट एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं मिलता। दूसरी साइड आप देखिए, मैं दूसरी साइड पे जा ही नहीं पा रहा, इतनी टाइट स्पेस है।
यहाँ पर मेरे को कोई स्पेस नहीं मिलती, ना लेग रूम ना कुछ, और ये प्लास्टिक सीट बैक है जिसके कारण मेरे को और दिक्कत होती है सीट के साथ बैठने में। यहाँ पर देखिए आप, काफ़ी अच्छे एयर वेंट्स और नीचे चार्जिंग सॉकेट भी है। तो अगर तो ये सीट थोड़ी सी आगे हो जाए, जैसे ड्राइवर सीट थोड़ी आगे है, तो आप आराम से बैठ पाएंगे, नहीं तो इस कार में कोई स्पेस आपको नहीं मिलती। काफी अच्छे एक आर्मरेस्ट सीट थी पूरी पुश बैक। यहाँ पर आप देखिए कितना ही प्यारा आर्मरेस्ट है, दो कप होल्डर्स हैं, आराम से आप अपने कंफर्ट में बैठ सकते हैं। तो ओवरऑल ये गाड़ी काफी आप कह सकते हैं एवरेज सी है, बहुत बिलो एवरेज ही कह सकते हैं। बैक सीट एक्सपीरियंस इस कार का ठीक ठाक ही है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, बाईफंक्शनल विद नॉर्मल हैलोजन बल्ब एंड प्रोजेक्टर फॉग लाइट्स, क्रोम कैस्केड हुंडई ग्रिल, इंटरनली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल साइड व्यू मिरर्स विद इंटीग्रेटेड टर्निंग इंडिकेटर्स, 16 इंचेस अलॉय व्हील्स विद टायर साइज 195/55R16, क्रोम डोर हैंडल्स विद ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर, नॉर्मल हैलोजन टेल लाइट्स विद LED फिनिशिंग, 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलगेट रिलीज। तो दोस्तों Hyundai Verna की स्मार्ट की देखिए आप कितनी प्यारी की है, इसके आपको सारे फीचर्स बताते हैं, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए डोर हैंडल पर रिक्वेस्ट सेंसर है जिसे आप कार लॉक अनलॉक कर सकते हैं। अब सबसे बढ़िया चीज इस कार में स्मार्ट बूट है। यहाँ पर आप देखेंगे मैं 5 सेकंड के लिए बूट के पास खड़ा हूँगा, मैंने कुछ नहीं करा, बूट अपने आप ऑटोमेटिकली ओपन हुई है। तो अगर आपके हाथ में सामान है, हैंडबैग वगैरह है, तो बूट खुद को खुद ही ओपन कर लेगी, जिससे आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स विद MID कंट्रोल्स, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील, मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले विद ऑल फीचर्स फॉर अ ड्राइवर असिस्टेंस, ऑल 4 पावर विंडोज विद ड्राइवर साइड वन टच अप एंड डाउन फीचर, इंटरनली फोल्डेबल एंड एडजस्टेबल साइड व्यू मिरर्स, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक्स, टच स्क्रीन ऑडियो सिस्टम विद ऑल फीचर्स लाइक एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, USB, AUX, ब्लूटूथ कनेक्शंस, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल विद क्लीन एयर फीचर, एयर वेंटिलेटेड सीट्स, 1 AUX एंड 3 USB पोर्ट्स, स्टैंडर्ड वायरलेस चार्जर फॉर ऑल स्मार्टफोन्स, एडजस्टेबल सेंटर आर्मरेस्ट, एयर कूल्ड ग्लव बॉक्स, ऑटो डिमिंग इनसाइड रियर व्यू मिरर, सनरूफ, लुकिंग मिरर और पैसेंजर साइड, हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स, टोटल 6 एयरबैग्स विद ड्यूल फ्रंट एयरबैग्स एंड 4 साइड कर्टन एयरबैग्स, रियर AC वेंट विद 1 फास्ट चार्जिंग सॉकेट, रियर सनब्लाइंड, 4 स्पीकर, 2 ट्विटर ऑडियो सिस्टम। तो चलिए दोस्तों, अब हमने वरना की टेस्ट ड्राइव के साथ शुरू कर दिया है। मैनुअल टॉप एंड है ये, 126 हॉर्स पावर, 250 Nm टॉर्क का इसका पावरफुल इंजन है, 1.6 जो कि CRDI 16 वाल्व इंजन है, सबको पता है। क्लाइमेट कंट्रोल कार का ऑफ कर दिया है, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह कुछ नहीं है कार में। तो चलिए इस कार को लॉन्च करके 0-100 टेस्ट करके फिर ब्रेकिंग लेते हैं इस कार में। तो दोस्तों कार 100 टच हो गया, ब्रेकिंग ले रहे हैं इस कार में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं वरना की परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट है अपने सेगमेंट में, 1.6 इंजन के साथ इतनी ही अच्छी पिकअप मिलती है हमें, कितनी ज़्यादा पावरफुल कार है, बहुत मज़ा आता है इसको चला के। तो अगर आपको हाई स्पीड ड्राइविंग करनी है, पावरफुल इंजन चाहिए और स्मूथ इंजन चाहिए, तो आप वरना को चूज़ कीजिए, बेस्ट कार है ये अपने सेगमेंट में, और ब्रेकिंग भी इस कार की बहुत ही अच्छी थी। तो हम आपको वरना सिटी ड्राइव का बताएंगे कि मैनुअल सिटी ड्राइव में कैसे है। अगर आपको ऑटोमेटिक का रिव्यू देखना है तो डेफिनेटली हमारे चैनल को आप देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में हम ऑटोमेटिक का लिंक डाल देंगे, वो उस कार का रिव्यू भी आप देख सकते हैं। तो अब आपको बताएंगे कि गाड़ी सिटी में ड्राइव करने के लिए कैसी है। जैसा कि आप देख सकते हैं गियर शिफ्ट की तरफ आपको दिखाएंगे, बटरी स्मूथ गियर शिफ्ट, मतलब इतने प्यारे गियर शिफ्ट है, आप पूरा दिन इस कार में गियर शिफ्ट कीजिए, आपको कोई भी थकान नहीं होगी, बहुत मजा आएगा। क्लच भी लाइट है कार का और साथ में स्टीयरिंग भी लाइट ही है। तो आपको अगर सिटी में ड्राइव करनी है तो वरना इज वन ऑफ द बेस्ट कार्स फॉर यू, बहुत अच्छी गाड़ी है। तो मतलब सिटी ड्राइव के हिसाब से तो बहुत मजा आता है इस कार को चला के। लो एंड लैग भी इस कार में बड़ा वेल कंटेंड है, जो कि पहले Hyundai के इंजन में काफी ज्यादा होता था। तो अपने सेगमेंट में बहुत ही अच्छी कार है, आपको सिटी ड्राइव करनी है तो कंफर्टेबल रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको सिटी में। तो दोस्तों अब आपको इस कार की हम सस्पेंशन टेस्ट करा रहे हैं, कार में कंफर्ट कैसा है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक स्पीड ब्रेकर से कार निकली है और अब हमने कार कच्ची रोड पर डाल दी है। तो सामने देखिए कितना ही कच्चा रास्ता है, पर इस कार का सस्पेंशन ब्यूटीफुली वर्क करता है।
आपको कभी भी इस कार की सस्पेंशन में दिक्कत नहीं फील होने वाली, ये नहीं आपको लगेगा कि कार अनकंफर्टेबल है। 2030 में जा रहे हैं, वरना हमने जितनी भी गाड़ियाँ टेस्ट ड्राइव की है वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल कार्स है सब में से। तो इतना मज़ा आया हमें इस कार को चला के, मतलब अगर आपको डेली ड्राइव में आपके काफ़ी ही ज़्यादा स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, खड्डे आते हैं, तो आप हुंडई वरना को चूज़ कीजिए, बहुत ही आपके लिए एक अच्छा और बेस्ट ऑप्शन है। बहुत ही आपको मज़ा आएगा इस कार को खड्डों में से निकाल के, कंफर्ट फील होगा। पर सीट्स का अगर आपको बताएं तो होंडा सिटी की सीट्स से डेफिनेटली मच मोर कंफर्टेबल मिल जाती हैं आपको, पर ऐसी दिक्कत नहीं है, ये भी कार काफ़ी अच्छी और कंफर्टेबल है, तो आप डेफिनेटली इस कार को चूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों हाई स्पीड पे इस कार का सस्पेंशन टेस्ट कराने वाले हैं कि आपकी स्टेबिलिटी कैसी है, कॉर्नर वगैरह लेते हैं तो मज़ा आता है कि नहीं, गाड़ी अनस्टेबल तो नहीं होती। 40 पे आपको बिल्कुल शार्प एल कट लेके दिखाएंगे हम कि कार कैसा परफॉर्म करती है। सामने आप देख सकते हैं 40 से भी ज़्यादा की 45 की हमारी स्पीड थी, तो उस हिसाब से कार ने काफ़ी अच्छा कॉर्नर करा है। अगर आप हिली सेक्शन वगैरह पे जा रहे हैं तो आपको मज़ा आने वाला है वरना चला के। तो दोस्तों अब आपको वही कट दोबारा फिर से लेके दिखाने वाले हैं अंदर से, इस बार की कैसी स्टेबिलिटी अंदर आपको फील होगी। तो आप देखिए कितनी ही बड़ी क्या कॉर्नरिंग है इस कार की, बहुत ही अच्छा कॉर्नर करती है, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं फील होती, बड़ा मज़ा आता है। हिली सेक्शंस पे लेके जाइए, ट्विस्टी रोड्स पे लेके जाइए, जहाँ मर्जी, वरना काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है। तो दोस्तों अब आपको ये कार हाई स्पीड पर ड्राइव करके दिखाएंगे कि आपको अगर हाईवे वगैरह पे लेके जाते हैं तो कार कैसा परफॉर्म करती है। सामने आप देखिए कितना ही हमारे सामने खुला एक स्ट्रेच है, तो हमारी कार इस टाइम 80 पे ड्राइव हो रही है, तो आप देख ही सकते हैं कितनी बढ़िया इस कार की परफॉर्मेंस है, मतलब बहुत ही आपको स्टेबल फील होती है। अगर आप खड्डों वगैरह से कार निकालेंगे तो आपको कभी भी डिस्कम्फर्ट नहीं फील होगा, ये नहीं लगेगा कि कार अनकम्फर्टेबल है, तो डेफिनेटली आप चूज़ कर सकते हैं अगर आपको हाई स्पीड कम्फर्ट चाहिए तो। तो दोस्तों आज हमने वरना मैनुअल का आपको पूरा रिव्यू करके दिखाया है, सारे फीचर्स बताए हैं और ड्राइव क्वालिटी के बारे में बता दिया है। ओवरऑल गाड़ी हमें काफ़ी पसंद आई है, बहुत ही नाइस कार है, सिटी ड्राइव के लिए बड़ी अच्छी है और हाईवे पे भी बहुत स्टेबल है, चलाने में बहुत मज़ा आता है, फन टू ड्राइव कार है। अगर आप कैनियंस में लेके जाते हैं, जैसे आपके टाइट कॉर्नर्स वगैरह इस कार में लेंगे, तो आपको मज़ा आएगा। अगर आप एवरेज देखेंगे तो सिटी में इसकी एवरेज मिल जाएगी आपको 15 की और हाईवे पे 18-19 की एवरेज यह कार आपको दे देगी। और अगर आपको प्राइस जानना है तो इसका 10.5 लाख डीजल शुरू होता है और साथ में 15 लाख का टॉप मॉडल आपको मिल जाएगा। तो ओवरऑल हमें गाड़ी काफ़ी पसंद आई, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक पैकेज है। अगर आप इस मार्केट में एक सेडान ले रहे हैं तो ह्युंडई वरना को चूज़ कीजिए, बहुत ही फीचर लोडेड, बहुत ही अच्छी कार है, ड्राइव करने में भी अच्छी और कम्फर्ट भी अच्छा है। बैक सीट स्पेस थोड़ी सी लैकिंग है जो होंडा सिटी में बहुत अच्छी मिलती है, तो अगर आपको स्पेस से मतलब है तो आप होंडा सिटी चूज़ कर सकते हैं इस सेगमेंट में, नहीं तो वरना बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है। CS भी एक ऑप्शन है पर वो आपको थोड़े से फीचर्स कम देती हैं दोनों के मुकाबले, पर ओवरऑल गाड़ियाँ सारी ही अच्छी हैं, वरना आप डेफिनेटली चूज़ कर सकते हैं।